हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। जैसा कि आपको पता है 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की और उसके बाद पोर्टल क्लोज हो गया था, मगर अब जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, प्लस आपको बताएंगे कि कितने दिन एक्सटेंड हुए हैं, अब आप लोग किस डेट तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने अभी तक यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान की न्यूज देखी होगी जिसमें दे रखा है कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन एक्सटेंड हुई है डेट। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको कंप्लीट डिटेल में बताते हैं कि किस डेट तक अब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो डेट है वो ऑफिशियली एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आप लोग यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देख सकेंगे यूपी स्कॉलरशिप स्टेज 2 ऑनलाइन फॉर्म, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सिंपली नीचे आना है। यहां पे देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं और वो ये कि पोर्टल जो है अभी क्लोज है, यानी कि कल या परसों तक आपका जो पोर्टल है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा, मगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है यानी कि अब जो डेट है आपकी वो 100% एक्सटेंड हो चुकी है। देखिए यहां पे दे रखा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट स्टेज 2 29 अक्टूबर 2021, यानी कि परसों से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं स्कॉलरशिप न्यू डेट स्टेज 2 नोटिस, यानी कि इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिस पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए क्योंकि जैसे ही लिंक जनरेट होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन का स्टेज 2 का, तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा और परसों से आप लोग दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो 26 अक्टूबर यानी कि कल के दिन जारी किया गया था। यह अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, मगर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 2 से 3 घंटे में 10-11 बजे तक यह नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहां पे पढ़ के सुनाता हूं। तो यहां पे आपको सिंपली नीचे आना है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कक्षा 11-12 एवं अन्य देशमोत्तर कक्षाओं के फ्रेश एवं नवीन रिन्यूअल के छात्र छात्राओं हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी। ठीक है, यहां पे आप लोग फर्स्ट नंबर का पॉइंट पढ़ सकते हैं, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 29 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, यानी कि लगभग एक महीना आपका डेट एक्सटेंड हुआ है। आज है 27 तारीख, तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल पोर्टल क्लोज है लास्ट डेट एंडेड लिखा हुआ आ रहा है, मगर परसों से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और जो आपकी स्कॉलरशिप है वो दिसंबर एंड तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। प्लस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं राकेश कुमार सजान जी के सिग्नेचर जो कि उप सचिव हैं। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होगा, किस डेट से स्टार्ट होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 29 अक्टूबर दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे ही लिंक जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा जिस पर क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ये अपडेट ऐसी है शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। और अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आती है या बड़ी से बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने चेक कर लिया जो डेट है वो ऑफिशियली एक्सटेंड हो चुकी है, पोर्टल 1 से 2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा और लगभग एक महीना ओपन रहेगा यानी कि नवंबर एंड तक। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अब एंड लास्ट डेट का वेट मत करिए, 10 दिन के अंदर अंदर यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोग फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा कर दिए और कॉलेज से वेरीफाई करा दिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो और अब जो है दोबारा से एक्सटेंड नहीं होने की लास्ट चांस है। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम
माध्यम से अपडेट कर दूंगा, यानी कि करेक्शन डेट्स आती हैं या फिर आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस आता है या फिर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आपको उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।